नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। IBACIO 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी जो डिस्क्रिप्टिव की डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम कब आपका होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट पर लगा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है तो आप कैसे एक बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो डिस्क्रिप्टिव की डेट है, जैसा कि मैंने आपसे कई बार इस बात को बोला है कि आपका जैसे ही इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट आउट होगा उसके बाद आपकी जो डेट है वो कभी भी आ सकती है, कभी भी आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो डेट है वो आउट हो चुकी है। 9 तारीख को, 9 जून को आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है और एक ही दिन पे सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 9 जून को एक ही दिन में जितने भी बच्चे हैं उन सबका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैसे पता करोगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पर है, कहाँ पर सेंटर आपका कहाँ गया है, ठीक है, किस टाइम ड्यूरेशन पे है, मतलब किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में है या इवनिंग वाली शिफ्ट में है। तो उसके लिए आपको जो है बाकायदा मेल आ रही है, आप किसी भी कोई तरीका नहीं है कि उससे आप पता कर सकते हो। आपको जिन भी बच्चों का डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको उसके रिगार्डिंग मेल जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो आपको भी जो मेल है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई तरीका नहीं कि कैसे आप देखोगे, बाकायदा जो IB है वो आपको मेल करेगा और मेल के थ्रू आप जो है अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर पाओगे, वहीं से देख पाओगे कि सेंटर आपका कहाँ पे गया और किस टाइम ड्यूरेशन पे आपका जो एग्ज़ाम है वो लगा हुआ है। 9 तारीख को सिंगल डे आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब एक ही दिन में सभी का एग्ज़ाम भी करा लेंगे, अलग अलग सेंटर पर हो रहा है। तो पता करने का तरीका कुछ भी नहीं है, आपको इसके लिए मेल आएगा। ठीक है, तो मेल आएगा, वहीं से लिंक दिया होगा, वहीं से आप देख पाओगे कि कहाँ पे आपका सेंटर गया है और एडमिट कार्ड वगैरह के लिए वहीं पे डिटेल दी होगी। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, आपकी जो डिस्क्रिप्टिव की डेट है वो आउट हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रिपरेशन कैसे करें अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं की है। तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, PPT देख पा रहे होंगे। इस कोर्स की जो फीस है वो केवल 449 रुपीज़ है। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। अब क्या है, अभी तक हम लोग ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब क्या है कि हम फुल लेंथ जो मॉक है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये लगातार डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होगी, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी सेलेक्टेड कंटेंट है, जैसे 100+ सेलेक्टेड है, लेटर, प्रिसाइज, RTE की कॉपी, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोग कर चुके हैं उनकी जो टॉपर्स की कॉपी है वो सब कुछ, अगर आप कोर्स को परचेज करते हो वो पुराना जो डाटा है वो भी आप एक्सेस कर पाओगे। इस कोर्स की फीस केवल 449 रुपीज़ है। आज ही इस कोर्स को परचेज करें। कैसे परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते, कोई किसी का आप कितना भी महंगा कोर्स परचेज क्यों ना कर लो। तो यहाँ पे अब क्या है कि हम डेली बेसिस पे फुल प्रैक्टिस आपकी कराने वाले हैं, तो इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।